शानदार ब्लॉग होने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देखिए, मतलब 360p में देखिए। पहुंच गया हूँ अपने कॉलेज DTU, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप खुद ही जा सकते हैं, तो उनके सजेशन को मान के आज मैं खुद ही पब्लिक को मान के अपने ब्लॉग पे आया हूँ और मैं खुद ही शूट करके आपको पूरा कॉलेज का कैंपस दिखाऊंगा अच्छे से। सो लेट्स गो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक ऑडिटोरियम बन रहे हैं बच्चों के लिए और कुछ हॉस्टल्स भी बन रहे हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ से हम राइट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्लैग है मेनली, अभी तो हवा नहीं चल रही। ये जो सामने बिल्डिंग है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है यहीं पे होता है। अब इसी के आगे OAT भी है, चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये है ओपन एयर थिएटर, जितने भी सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यहीं पे होते हैं मेनली। यहाँ पे फाउंटेन भी है पर अभी बंद कर रखा है। तो यार एडमिन ब्लॉक में मुझे कुछ काम था स्कॉलरशिप से रिलेटेड, पर अभी वहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है तो मैंने सोचा कि अभी आपको एक बार OAT दिखा देता हूँ। तो चलो मैं OAT दिखाता हूँ आपको पूरी। तो ये रहा हमारा DTU का ओपन एयर थिएटर। ये जो यहाँ पे बीच में मेनली स्टेजेस लगे हैं यहीं पे कहाँ मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमारा एडमिन ब्लॉक है। और ये जो मेन बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी है। यहाँ पे पीछे जाएंगे तो पीछे से भी कुछ डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है। सेंट्रल लाइब्रेरी के आगे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी है। DTU की लाइब्रेरी वैसे ही बहुत फेमस है, चलो आपको अंदर चल के दिखाते हैं।
लाइब्रेरी का पूरा व्यू आ सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे अंदर पढ़ने के लिए। अभी अब हम आ गए हैं कंप्यूटर सेंटर पे, चलो आपको दिखाते हैं। स्टेयर्स का जाना है, कंप्यूटर सेंटर है, अब हम अंदर चलते हैं यहाँ पे। अभी पार्ट वन में इतना ही रखते हैं, अभी पार्ट टू और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें मैं प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी विजिट करूंगा अच्छे से। तो अभी पार्ट वन यही एंड करते हैं, अब आप फॉलो करना इस सीरीज़ को, पूरा कॉलेज अच्छे से कवर करेंगे और हर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको। ओके बाय।